हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम अनामिका दैया, वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। आवर टुडेज टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड दिस टॉपिक इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन इन सोसाइटी ऑफ डीएलएड फर्स्ट ईयर। हमने पीछे यूई के बारे में जाना था और उसके बाद है हमारा प्रॉब्लम क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिससे हमारे बच्चे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आना चाहते, जिनको हमें बाउंड करना पड़ रहा है कि आप एजुकेशन सिस्टम में आओ, इनरोल करो, रिटेन कराएं। हमें पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, तो उनके बारे में जानेंगे और रिमेडियल मेजर्स भी देखेंगे कि हम इस चीज़ों को रिमूव भी कैसे कर सकते हैं और हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोविजंस या एक्ट्स बनाए हैं या ऐसी पनिशमेंट प्रोवाइड करी है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये पनिश करा जाएगा। सो इनके बारे में जानेंगे और प्रॉब्लम्स, जो सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आना चाहते वो। सो फर्स्ट आर इज ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या होता है? ड्रॉप क्या होता है? गिर जाना, और आउट मतलब बाहर हो जाना। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, उसे इनरोल तो करा लिया गया है स्कूल में, वो इनरोल भी हो गया है, उसके बाद वो स्कूल को छोड़ के चला जाता है, तो दैट इज नोन एज ड्रॉप आउट। सो ड्रॉप आउट मे बी डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड दैट कीज टू इनरोल्ड इन द स्कूलिंग सिस्टम। जो स्कूलिंग सिस्टम में जाना बंद कर देते हैं, दैट इज नोन एज ड्रॉप आउट। सो रीजन ऑफ ड्रॉप आउट हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द वेरियस एनालिसिस और रिकॉर्ड से किया गया है। अकॉर्डिंग टू वेबर 1989 एंड रमबर्गर 2001, द रीजन फॉर, क्या रीजन, उन्होंने तीन ब्रॉड रीजन बताए हैं ड्रॉप आउट के, दोनों ने, वेबर और रमबर्गर ने। फैमिली रिलेटेड, जिसमें घर परिवार में कोई ऐसी समस्या है कि बच्चा कॉलेज या स्कूल में नहीं आना चाहता। स्कूल रीजन, स्कूल में कोई पर्सनल रीजन है कि भाई टीचर अच्छा नहीं है, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, पनिशमेंट बच्चे को मिल रही है, एंड कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं जिससे बच्चा अपने स्कूलिंग सिस्टम में नहीं आना चाहता। सो फैमिली रिलेटेड रीजंस की बात करूँ तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, भाई परिवार में पॉवर्टी है तो उनके पास ऐसा इकोनॉमिक स्टेटस है ही नहीं कि वो स्कूल में भेजें। बच्चा डिसएडवांटेज है, मतलब किसी भी रीजन से वंचित समूह से है, भाई दूर से है, कोई हैंडीकैपनेस हो गई है, पेरेंटल एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है, या फिर सिंगल पेरेंट या फैमिलीज हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर बच्चा ऐसा बन गया है कि वो अपना साइकोलॉजिकली नहीं सोच सकता स्कूल में आना। स्कूल रिलेटेड बात करूँ तो अटेंडेंस, हार्ड अटेंडेंस हो सकते हैं, ग्रेड्स हो सकते हैं, अकेडमिक अचीवमेंट अच्छी नहीं गई है, या इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चे का स्कूल के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद पर्सनल रीजन आ जाएंगे, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है, एक्सटिंग्युएटिंग है बच्चा, सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, या बच्चे की शादी हो गई है, ये सारे भी रीजन है हमारे ड्रॉप आउट के। सो ड्रॉप आउट रिप्रेजेंट अ स्ट्रगलिंग लॉस, जिसके अंदर बच्चे का खुद का लॉस हो रहा है, ऑल्दो इट इज फाउंड बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे भी हो सकते हैं, क्रूशियली ये प्राइमरी लेवल पे होता है। एक स्टेज आने के बाद बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है और वो री एंट्री नहीं करना चाहता है फॉर्मल एजुकेशन में, सो इस वजह से भी वो अपनी एजुकेशन को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर्स में भी दो चीजें मेन है, हमारे इंटरनल फैक्टर और हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो आइसोलेट हो जाता है एजुकेशन सिस्टम से और वो अपने खुद को एजुकेशन सिस्टम से दूर रखता है। सो सबसे पहला है हमारा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या है? विच अफेक्ट द चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इंटरनल फैक्टर के रिटेंशन वो खुद से नहीं करना चाहता, मतलब स्कूल में एग्जिस्टिंग कोई है या इनफ स्कूल ही नहीं है, बेंचेस नहीं है, डेस्क नहीं है, चॉकबोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे को बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो रही है, तो बच्चा विलिंग भी नहीं है। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर में ये लगाओ, बच्चे के खुद के फैक्टर भी आ जाएंगे और स्कूल रिलेटेड फैक्टर भी आ जाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर में बताऊं तो बच्चा किसी ऐसे सोशो कल्चर से है जो मैच ही नहीं खा रहा है स्कूल से, लाइक एक बच्चे के फादर का ट्रांसफर हो गया है किसी अदर स्टेट में और वो यहाँ पे, उसकी मदर टंग हिंदी थी बेसिकली, और वहां जाके कोई और लैंग्वेज हो गई है, तो सोशो कल्चर इज ऑल्सो द रीजन फॉर द एक्सटर्नल। पुअर फैमिली से है वो, पेरेंट्स को हैंडल करना नहीं आता है, ठीक है, यही चीजें हैं कि पॉवर्टी है, फैमिली रिलेटेड इशू है, या बच्चे को अटेंशन ही नहीं मिला है, या कोई और रीजन भी है कि वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेल या फीमेल है, तो जिसकी वजह से भी उन्हें भेजा नहीं जा रहा है स्कूल के अंदर। और मेजर ड्रॉप आउट के रीजन ये है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये मैंने अभी ज्योग्राफिकल लोकेशन की ही बात करी थी आपको, कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम भी दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर जिससे बच्चे की ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगी, एंड हेल्थ इज ऑल्सो द रीजन फॉर द ड्रॉप आउट। सफिशियंट अटेंशन बच्चे को नहीं मिल रही है और प्राइमरी जो साइकिल है ना वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मिड डे मील अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रहा है, या फिर बच्चे जो है सोशली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो दीज आर द रीजन फॉर द ड्रॉप आउट। देन है रेमेडी, ऑर्गेनाइजेशनल रेमेडी दे सकते हैं हम,
ऑर्गेनाइजेशनल दे सकते हैं, पैडागॉजिकल पढ़ाई से रिलेटेड इंसेंटिव, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बच्चों को प्रोवाइड करके हमें ना ब्राइब देनी है एक टाइप से। इसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एंड इसके बाद नॉन फॉर्मल अप्रोचेस भी हो सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेजर में क्या आ जाएंगे। ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन बिटवीन द ग्रेड्स एंड कंटीन्यूअस प्रोग्रेशन दिखा के हम बच्चों के ड्रॉप आउट को कम कर सकते हैं। मतलब हम जिस चीज से बच्चा डिस्करेज हो रहा है ना उसे रिमूव कर देना है। पेडागॉजिकल मेजर्स की बात करूं तो बच्चों को पेडागॉजी को जानना है, बच्चे क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे ट्रीट करना है उन्हें, कैसे हम डील कर सकते हैं। तो पेडागॉजी भी हम सबको इसीलिए पढ़ाई जाती है। इफ यू आर द पार्ट ऑफ एजुकेशन तो आपको अब सब अवेयर हो गए कि पेडागॉजी होती क्या है। पेडा मतलब बच्चा, गॉजी मतलब उसके लर्निंग स्टाइल्स को, उसके बिहेवियर को जानना। देन आते इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब कुछ भी फ्री दो, फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, प्रोविजंस बच्चों पे प्रोविजंस हैं ऐसे कुछ जो बच्चों के हक में है, मिड डे मील आप देख सकते हो, क्लोथ बच्चों को मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, ये जिससे बच्चे जो है मोटिवेट हो पढ़ने के लिए। इसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सकती है, पेटीएम करा सकते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन करा सकते हैं। अगर बच्चा किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज है तो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल है, और भी कुछ ऐसे रीजंस हैं तो उन्हें ओपन स्कूलिंग भी दी गई है कि वो बिना किसी फॉर्मल सेटअप में आके भी अपनी एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। इसके बाद है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में क्या आ जाएंगे, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री चीजें हम बच्चों को प्रोवाइड कर सके, और ऐसे सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सके जैसे कोई रोल मॉडल उनके सामने दिखा दिया, कोई प्रोग्राम चला दिया उनके लिए, तो वो हमारे नॉन फॉर्मल हो जाएंगे। लाइक एजेंसी कोई अच्छे से काम कर सके, एनजीओज हैं वो पढ़ा दे बच्चों को, तो ये हमारे नॉन फॉर्मल भी हो जाएंगे। भाई टीचर भी उनसे कनेक्ट कर जाए तो भी हमारे नॉन फॉर्मल भी हो जाएंगे। इसके बाद है टोरेंसी। टोरेंसी क्या होती है, अनुपस्थित होना, ठीक है, स्कूल में नहीं आना बिना किसी नोटिस के। सो टोरेंसी क्या है, द अनएक्सक्यूज्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल इज कंसिडर्ड एट टोरेंसी। अनुपस्थिति क्या है, बिना किसी रीजन बताए स्कूल में नहीं आना, दैट इज नोन एज टोरेंसी। द एज, इसके बाद है स्टेट लॉ डिटरमाइंस क्या करते हैं, द एज एट विच अ चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू बिगिन अटेंडिंग स्कूल, किस समय पे बच्चा स्कूल अटेंड करेगा, कब लीगली ड्रॉप आउट कर सकता है, नंबर ऑफ एक्सक्यूज्ड एक्सपीरियंस टोरेंसी उसकी क्या है। तो टोरेंसी द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वाइल देर इज अ नो अबंडेंस इन नेशनल टोरेंसी डाटा। सो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में तो थाउजेंड ऑफ एन एक्सक्यूज रहती है, और स्टूडेंट्स की बिहेवियर या बिहेवियर की वजह से या काउंसलिंग करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे क्यों टोरेंसी ज्यादा शो कर रहे हैं। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द टोरेंसी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, भाई फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, स्कूल वाले भी हो सकते हैं, कोई पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज आर स्कूल फैक्टर, लैक ऑफ इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंसी अप्लाइड अटेंडेंस पॉलिसी। अटेंडेंस पॉलिसी ढंग से ही नहीं हो रही है तो बच्चा अपने आप टोरेंसी कर रहा है क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से नहीं है, पुश आउट पॉलिसी है, या बच्चों को बहुत डिप्राइव्ड किया जा रहा है, गार्जियन और पेरेंट्स की एब्सेंस में हो रही है ये। मतलब हमने एज अ टीचर हमने पेरेंट्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया है, बच्चा स्कूल आ ही नहीं रहा है, और ना पेरेंट्स को पता है ना हमें पता है। टीचर्स का करेक्टर अच्छा नहीं है, अनवेलकमिंग एटमोसफेयर है, अनसेफ एनवायरमेंट है, और आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा रहा कि बच्चों की क्या ऐसी नीड्स हैं जिन्हें हम फुलफिल करें। होम एंड कम्युनिटी फैक्टर क्या है, हेल्थ या फाइनेंशियल बच्चा अच्छा नहीं है, विक्टिम बना है बच्चा, कभी भी अब्यूज हुआ है उसके साथ या नेग्लिजेंसी दी है, पेरेंट्स क्या स्कूल का बहुत प्रेशर है, वॉयलेंस हो रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रॉब्लम है, पेरेंट एल्कोहलिज्म की तरफ है, और नेगेटिव रोल मॉडल्स आर देयर इन द स्कूल, दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर द टोरेंसी। इसके बाद है कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को दंड बहुत दिया जा रहा है, मार पिटाई हो रही है बच्चों के साथ। सो कॉर्पोरल पनिशमेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय द पनिशमेंट इन विच वी द टीचर आर अब्यूजिंग the child and giving some kind of pain to the child while making indiscipline or other kind of activity, तो वो हमारा corporal punishment कहलाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ किसी भी प्रकार का दर्द बच्चे को देना, abuse बच्चे को करना और wound बच्चे को देना, these are the reasons for the corporal punishment. Spanking, rapping on the head, slapping in the form of corporal punishment, बच्चे को कमर पे मार दिया, थप्पड़ मार दिया है, डंडे लगा दिए हैं, these are the कॉर्पोरल पनिशमेंट। इंटेंसिटी, किस एक्सटेंट तक बच्चे को इंजरी हो गई है, दो चीजों से होता है, और इंटेंशन कि बच्चे को मारने का रीजंस क्या था। सो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन इंटेंटेड टू चेंज अ स्टूडेंट्स बिहेवियर। हम इसीलिए पनिशमेंट करते हैं, पनिश करते हैं बच्चे को कि हम उसका जो बिहेवियर राइट ना हो है, हम उसे चेंज करना चाहते हैं। वी आर ट्राई टू मेक दैट चाइल्ड अनकंफर्टेबल फॉर द सिचुएशन, एंड द टीचर वॉन्ट दैट
ही और शी विल नॉट रिपीट दिस सिचुएशन. इसके लिए इंटेंशन इसीलिए बोला है, समटाइम्स टीचर नहीं चाहता या टीचर इज नॉट लाइकिंग दैट चाइल्ड. इसके बाद है सो बिलिटल, ह्यूमिलिएट करना, डेनिग्रेट्स करना, स्कैपगोट्स करना, थ्रेटन करना बच्चे को, स्केयर करना मतलब हम अपना अपमानित करें, बदनाम करें, रेडिकुलस बिहेवियर हम बच्चे के साथ शो करें, तो वो हमारा सारा कॉर्पोरल पनिशमेंट ही कहलाएगा. अब याद रखने की जो फैक्चुअल चीजें हैं वो क्या है, द डिस्कोर्स हैज बीन एक्टिव सिंस 1979. स्वीडन बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने प्रोहिबिट कर दिया है कॉर्पोरल पनिशमेंट को बिल्कुल ही अपने लॉ अकॉर्डिंग की तरह, कि जहां पे हम बच्चे की डिग्निटी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. दूसरा क्या हुआ है कि अ नोटेबल जजमेंट बैनिशिंग ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट हैज बीन मेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट ने 2000 में करी है आर्टिकल 21 के तहत, कि आप भी किसी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट में बच्चे को डिस्करेज नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट है नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एस्केलेशन, मतलब बच्चे की वृद्धि नहीं होती है यहाँ पे, एस्केलेट नहीं कर पाते. जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम बहुत यूज करते हैं एस्केलेटर, तो वहां पे बच्चे को पनिश किया जाता है कि वो इन सीरियस असॉल्ट के तहत अपनी जो है वृद्धि नहीं कर पाता. इंक्रीजिंग वायलेंस, इससे वायलेंस इंक्रीज होता है. आज बच्चे को बहुत मार पड़ी है, वो अपना गुस्सा जाके कहीं निकाल रहा है, तो इससे वायलेंस और इंक्रीज हो रहा है जिससे बच्चा एक एंटी सोशल बीइंग बन रहा है. साइकोलॉजिकल डैमेज, बच्चे को बार 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 वही पिटाई मिलती है तो नोवेलिटी नहीं रहती बच्चे के अंदर, वो बच्चा भी खुद से भी हिंसा करनी स्टार्ट कर देता है, मतलब शारीरिक दंड का ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. इटलो उनकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, बच्चे खुद से विक्टिम बन जाते हैं, लाइफ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते हैं, ये उनके मेंटल इम्बैलेंस का कारण बनती है. डिस्करेज करते हैं रीजनिंग करने के लिए, लोनली फील करते हैं, और नेगेटिव व्यू ये भी है कि वो डरने लग जाते हैं अपनी पूरी सोसाइटी से. इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैरियर, जो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, एंगर इश्यू हो जाते हैं, डिजायर्स घट जाती हैं, वॉयलेंस करता है बच्चा खुद से, इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चे, एंड बच्चों को कैसे कॉपरेट करना है वो भूल जाता है, क्योंकि लोग तो उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो वो इन इंजरी के साथ खुद से सफर करता रहता है, और खुद को हार्म होने के बाद वो दूसरों को भी हार्म करने की कोशिश करता है. इसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, गाइडलाइन बनाई गई है कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंडर, ये जरूर याद रखना है. NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है. इन्होंने क्या करा है, टू ड्वेल इन टू द वेरियस फैक्ट्स ऑफ द सोशल प्रैक्टिस. NCPCR कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ऑफ द अक्टूबर 2007 से एजुकेशनिस्ट, लॉयर, सोशल मेंबर या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थे, उन्होंने इन स्पेसिफिक इशू पे बैठ के बात की और क्या निकाला, कैंपेनिंग एंड एडवोकेसी, हमें बैनिश कर देना है बिल्कुल हमारे यहाँ से, और हमारे इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट हमें बनाना है, मतलब हमें रूल्स बना देने चाहिए कि आप बच्चों को नहीं मार सकते हो, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, विलेज एजुकेशन से भी इन्वॉल्व होंगे. टोटली वी आर हैव टू बैनिश द कॉर्पोरल पनिशमेंट, और हमें बिल्कुल अबॉलिश कर देना है इन्हें, स्पेसिफिक लॉ बनाए जाए. द ग्रुप हैड इंटेंसिव डिस्कशन, 5 महीने तक ये डिस्कशन हुआ, उसके बाद इन्होंने अपनी समरी रिपोर्ट दे दी थी. अब गाइडलाइन क्या बनी है कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए, रैपिंग, स्लैपिंग ग्राउंड में या नीलिंग करना, ऐसी कोई भी चीजें करना, इवन आंखें दिखाना इज ऑल्सो द काइंड ऑफ टॉर्चर, जिसमें आप बच्चों को नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहे हो, इंसल्ट नहीं कर सकते, ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, फिजिकल मेंटल इंजरी भी नहीं दे सकते आप बच्चे को, और हम कोई ऐसे एक्शंस नहीं ले सकते हैं जो बच्चे की डिग्निटी को हर्ट करे. सो द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट डायरेक्ट द एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑल द स्टेट्स, क्या क्या इंश्योर किया है, All children are to, अब ये मैं ना लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये हमारी उस कमेटी की रिपोर्ट है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बता दूंगी. All the children are informed through the campaigns and publicity करके बताया गया कि आपके स्कूल में सिर्फ आपके साथ नोटिसेबल और एक्सेप्टेबल एक्टिविटी ही करी जाएंगे, इसके अलग आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा. एवरी स्कूल इंक्लूड हॉस्टल, जैसे होम्स, शेल्टर होम्स और भी पब्लिक जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बच्चे को अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने की पूरी फैसिलिटी देंगे, और बच्चे NGOs में जाके उनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं. फर्दर बॉक्स, हमें एक बॉक्स भी बनाना है जिसके अंदर बच्चे एनोनिमसली अपनी चिट डाल सकते हैं, जिसमें अंदर अपनी कंप्लेन लिख सकते हैं. देयर हैज बी अ मंथली मीटिंग, PTA वगैरह होगी, जिससे रिव्यू हो सके कि टीचर क्या बिहेव कर रहे हैं और कैसा बच्चों के साथ नेचर रहा है. PTM इंक्रेज, एसोसिएशन इंक्रेज करेगी बच्चों को कोई इंजरी हुई है या कुछ भी ऐसा बच्चों के साथ मिस हैपनिंग हुई है, जिसके तहत वो अपनी कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं. पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन को भी बच्चे को एम्पावर करना है स्पीकिंग करने की और पार्टिसिपेशन शो करने की पूरी फ्रीडम है, और हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हर एक ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हमें पूरा प्रोसीजर
बता दिया गया है कि अगर बच्चे के खिलाफ कोई भी कंप्लेन आए तो हमें उसे कैसे मॉनिटर करना है और बच्चे के साथ जो भी मिसहैपनिंग हो रही है उसे रिमूव कैसे करना है। अब मैं बात करूंगी कुछ लीगल बेसिस की कि क्या क्या हुए हैं, प्रोविजन हमारे कंट्री ने किए हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21, अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, राइट टू लाइफ है कि हम अपनी डिग्निटी बना के रखें, तो एज अ टीचर आपको भी बच्चे की डिग्निटी बना के रखनी है। अ लाइफ विच इंश्योर फ्रीडम, आर्बिट्रेरी एंड डिस्पोटिक कंट्रोल, हमें कोई टॉर्चर या टेरर नहीं कर सकता है। लाइफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट क्रुएलिटी, आप अगर क्रुएलिटी हो रही तो उसके खिलाफ मेंटली या फिर कोई भी इंजरी हो रही है आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। आर्टिकल 39 क्या कहता है, अ स्टेट शैल पर्टिकुलर डायरेक्ट पॉलिसी बनानी है हेल्थ स्ट्रेंथन, मतलब हेल्थ को स्ट्रेंथन कर सके, मैन वन वुमेन जो भी हम टेंडर कर सके, बच्चों के साथ कोई भी अब्यूज ना हो, मतलब बच्चों को कोई ना काम कराता भी ना मिल जाए। द चाइल्ड गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट और डेवलप अ हेल्दी मैनर कंडीशन, बच्चे को अपनी पूरी फ्रीडम मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी और उसे ऐसे एक्सप्लॉयट और अबेंडन नहीं कर सकते हो आप। अब आते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल होते हैं जैसे 18 साल से कम का बच्चा अगर कोई भी जुर्म कर देता है तो वो जुवेनाइल में जाता है। जुवेनाइल्स में क्या होता है, 18 साल से कम बच्चों को ट्रीट किया जाता है कि वो साइकोलॉजिकली बेटर हो जाए और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो सेक्शन 23 के तहत ये कब आया था, 2006 में, हूएवर हैविंग द एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल ऑफ अ जुवेनाइल चाइल्ड असॉल्ट अबेंडन एक्सपोज विलफुल नेग्लेक्ट्स द जुवेनाइल और कॉजेज ऑफ प्रीक्योर्स हिम टू बी असॉल्टेड, मतलब अगर जुवेनाइल ने ये सारे काम कर भी रखे हैं ना तो आप उसे असॉल्ट नहीं करोगे, अबंडन नहीं करोगे, एक्सपोज नहीं करोगे, मतलब समाज के सामने एक्सपोज भी नहीं करना होता और इम्प्रिजन में भी नहीं रखेंगे हम उसे, जेल में नहीं रखते, उन्हें एक अलग से कैंपिंग टाइप होती है उनकी, वहां पे रखा जाता है। दिस सेक्शन है नो एक्सपेंशन टू एग्जम्प्ट द पेरेंट्स और टीचर्स, कोई नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने ऐसा किया है। एंड जुवेनाइल जस्टिस 2000 के तहत ट्रांसलेट द ऑब्जेक्टिव एंड राइट इंग्लिश द कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट, इनको बच्चों के राइट्स बोल दिया गया है कि वहां भी इनके साथ कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जुवेनाइल सेंटर्स में भी। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन 2007 में इसमें क्या ऐड किया है, द मॉडल रूल्स आर इनिशिएट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए हैं जुवेनाइल्स के लिए कि इंस्टीट्यूशनल केयर की जाएगी, बच्चों के साथ जो भी है कोई अब्यूज नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्शन बच्चों को आल्सो प्रोवाइड की जाएगी। चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्निटी लिखी है, ट्रीटमेंट दैट कंसिस्टेंट विद द चाइल्ड सेंस एंड डिग्निटी, बच्चे का सम्मान भी बना के रखना है और वो भी वर्थ है बच्चे के लिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल रिस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट बना के रखो, नॉट बीइंग ह्यूमिलेटेड, वो उन्हें ह्यूमिलेट नहीं करोगे, लेबल्ड नहीं करोगे या ऑफेंड नहीं करोगे बच्चे को या ब्लेम नहीं करोगे तुमने ये सब किया है। चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, नो अब्यूज, नो एग्लेक्ट, नो एक्सप्लोइटेशन एंड नो माल न्यूट्रिशन, बच्चे के साथ किसी भी स्टेज पे कोई हार्म नहीं होगा, अब्यूज नहीं होगा, नेग्लेक्ट नहीं करोगे कि अच्छा तुम तो ये इतना बुरा काम करके आए हो तुम नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं, और कोई भी माल ट्रीटमेंट नहीं, गंदी ट्रीटमेंट उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चे पे गलत इम्पैक्ट पड़े। इसके बाद आते हैं हमारे रूल 46 एंड 60, फर्दर स्पेसिफाई जुवेनाइल होम एज अ अब्यूज फ्री एनवायरमेंट, दोबारा से बताया गया है रूल के अंदर कि हमें बच्चे को ऐसा मैकेनिज्म देना है जिसके अंदर कोई भी अब्यूज ना हो। रूल 46.3, द एनवायरमेंट इन द इंस्टीट्यूशन शैल बी फ्री फ्रॉम द अब्यूज, अलाउविंग जुवेनाइल चाइल्ड टू कोप विद द सिचुएशन एंड रीगेन देयर कॉन्फिडेंस, कि वो सिचुएशन के साथ डील करे और अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन कर ले। रूल 61 के अकॉर्डिंग एवरी इंस्टीट्यूशन शैल हैव द सिस्टम ऑफ इंश्योरिंग दैट देयर इज अ नो अब्यूज, कोई अब्यूज ना हो, नेग्लिजेंसी, ये मैंने आपको अभी बता दिया है, और उसके तहत आप ऐसा अब्यूजिव कुछ काम भी नहीं करोगे। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड पे बात करी थी, ये पैरा 5.6 में गिवन है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करी थी, इसका मतलब हमें उनकी सारे ऑलराउंड चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी ऐसे प्रोवाइड करानी है और रेमेडी देनी है जो सप्लीमेंट्री हो, और मतलब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों की साइकोलॉजिकल ऑर्डर, बच्चों के साथ ऐसा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं करना है जो एक कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंडर जाए, और हमें एक्सक्लूड करना है अपने एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल कॉर्पोरल पनिशमेंट को, तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण रखना है। इसके बाद नेशनल चार्टर फॉर द चिल्ड्रन 2003 में आया था, दिस चार्टर, इस संविधान ने क्या बताया, द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1974 नेशनल पॉलिसी ऑन कंप्राइजिंग द गाइडिंग फ्रेम, मतलब यहाँ पे फ्रेमवर्क बना दिया गया है, नेग्लेक्ट एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऐसा नहीं करोगे, इन्हें लिस्ट कर लिया गया है। एंड द चार्टर स्टेट्स इट इंटेंड टू सिक्योर फॉर एवरी चाइल्ड राइट टू बी द चाइल्ड एंजॉय अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड, ये इसीलिए किए गए हैं कि बच्चा अपनी जो चाइल्डहुड है उसे हेल्दी और हैप्पीली जी पाए
और अवेकन कर पाए हम बच्चों को भी कि उन्हें अपने स्टेट या कम्युनिटी में रहते रहते ऐसे कौन से राइट उन्हें मिले हैं, लिबर्टी उन्हें मिली है जिनके तहत वो अपनी लाइफ बहुत इजीली जी सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 7F, द स्टेट शैल इंश्योर स्कूल डिसिप्लिन या मैटर जो भी है देयर टू नॉट रिजल्ट इन अ फिजिकल मेंटल और साइकोलॉजिकल हार्म बच्चे को ना करें और बच्चे को किसी भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में ना भेजे। देन है नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर चिल्ड्रन NPA 2005। इनका क्या कहना है, इंजरी नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग जो बच्चों को बेचना होता है ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सेक्सुअल अब्यूज नहीं कर सकते, फिजिकल अब्यूज नहीं कर सकते, पोर्नोग्राफी में बच्चों को नहीं इंक्लूड कर सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते हो, वॉयलेंस नहीं कर सकते हो, और ऐसी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी है जो बच्चों को डिग्रेड करे, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड 1989, इंडिया असेस द कन्वेंशन, इंडिया ने भी उसे 1992 में मान लिया है। तो आर्टिकल 28 में क्या है, ऑल एक्शंस कंसर्न चाइल्ड वेदर अंडरटेकन बाय द पब्लिक और प्राइवेट वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कोर्ट ला, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है बच्चे के लिए अच्छे से काम कर सकते हो और प्राइमरी कंसिडरेशन बच्चे को ही रखेगी। सेकेंड, स्टेट पार्टी अंडरटेक टू इंश्योर द चाइल्ड सच प्रोटेक्शन एंड केयर एज इज नेसेसरी फॉर उसके वेलबिंग के लिए अच्छा हो, उसके राइट्स के बारे में बताए, ड्यूटीज बताए पेरेंट्स की क्या है, गार्जियन की क्या है, और लेजिस्लेटिव के अंडर रहते हुए उन्हें हमें वो मेजर्स कैसे प्रोवाइड करने हैं। देन स्टेट पार्टी शैल इंश्योर द इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज फैसिलिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर, बच्चों के दिखानी है, स्टाफ को बताना है कि हमें अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी बनानी है और एरियाज ऑफ सेफ्टी बताने हैं जिसमें रहते हुए बच्चा हेल्दी काम कर सके और अपनी जो लाइफ है वो सस्टेनेबल रूप से जी सके। आर्टिकल 19 में देखो ये वाला चैप्टर ना थोड़ा फैक्चुअल है और हमारी ईएस थोड़ी ज्यादा फैक्चुअल है, तो इसके बारे में आपको याद करना होगा, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, जो चीजें अलग है ना आप उसे अंडरलाइन करके याद कर लो। इसके बाद आर्टिकल 19 में क्या बात की गई है, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल एजुकेशनल मेजर बच्चों को बताएं। बातें देखो मैं भी वही रिपीट कर रही हूँ, इसमें लीगल गार्जियन और पेरेंट्स कौन पर्सन होगा और उसे क्या केयर करनी है वो बताना है, प्रोटेक्टिव मेजर्स बताने हैं कि क्या क्या इफेक्टिवनेस आप इंक्लूड करोगे, और हमें पूरा ना आइडेंटिफिकेशन देनी है, प्रिवेंशन की रिपोर्ट करा सकते हैं, रेफर करा सकते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और ट्रीट भी करा सकते हैं बच्चों को। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हम उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भी भेज सकते हैं जिसने बच्चों के खिलाफ क्या किया है, कॉर्पोरल पनिशमेंट की है। आर्टिकल 28, स्टेट पार्टी शैल टेक द ऑल एप्रोप्रिएट मेजर इंश्योर द स्कूल डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटिव इन अ मैनर कंसिस्ट विद द चाइल्ड्स ह्यूमन डिग्निटी, कंफर्टेबिलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी बना के रखें, दिस इज द आल्सो द कन्वेंशन। अब ये सेम क्यों है, क्योंकि ये हमारे, आप कहोगे मैम इंडिया ने भी तो यही बात करी थी, पर यूनाइटेड नेशन ने भी बात करी थी, हमने उन्हें क्या कर लिया था, एक्सेप्टेंस दे दी थी। इसके बाद आर्टिकल 37, स्टेट पार्टीज शैल इंश्योर नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड और टॉर्चर, कोई क्रुएलिटी नहीं होगी, इन ह्यूमन नेचर नहीं होगा, पनिश नहीं किया जाएगा एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट भी नहीं होगी, इम्प्रिजन नहीं कर सकते, विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज शैल बी इम्पोज टू ऑफेंस कमिटेड बाय द पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में रखेंगे ना कि जेल में डालेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 40, स्टेट पार्टी रिकोगनाइज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर एक स्टेट पार्टी को ये रिकोगनाइज करना है कि बच्चे के राइट क्या है, अक्यूज तो नहीं किया जा रहा है, उसे फ्राइटन तो नहीं किया जा रहा है, और बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उन्हें कैसे री इंटीग्रेट करना है और सोसाइटी का एक कॉन्फिडेंट पार्ट बनाना है, इस पे भी ध्यान रखा जाएगा। आर्टिकल 42, स्टेट पार्टीज अंडरटेक टू मेक द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन वाइडली मतलब ब्रॉडर रूप से बच्चों को बताओगे, अप्रोप्रिएट और एक्टिव मींस बनाओगे कि जो बच्चे हैं वो भी इन सारी चीजों से, उन्हें ये सारी चीजें ज्ञात हों और बड़ों को भी ये सारी चीजें ज्ञात हों कि आप अगर ऐसा कार्य करोगे तो आपके साथ क्या पनिशमेंट आपको मिल सकते हैं और आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो एक रूल बुक के अंदर है हमें वो फॉलो करनी पड़ेंगी और कोई भी अब्यूज नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में आपने जाना ड्रॉप आउट क्या होता है, टोरेंसी क्या होती है, इनके रेमेडीज क्या है और ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कैसे है। इसके बाद हमने जाना कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है, इंडिया ने कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेक्शंस बनाए हैं और यूनाइटेड नेशन कन्वेक्शन ने भी हमारी कौन कौन सी चीजें बताई हैं, किस आर्टिकल के तहत कौन सी बात की गई है। मैंने कहा सब में सेम चीजें हैं, बस आपका जो डिफरेंट लगता है आप उसे अंडरलाइन करके याद कर लीजिए, एंड अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी है फैक्चुअल चीजों को याद करना तो आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स ना मेंशन करके आप थ्योरेटिकली भी उन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं एंड इन द कन्वेक्शन आप चीजें शो कर सकते हैं, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें ध्यान हो, और बीइंग अ टीचर तो हम सबको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम बच्चे को फिजिकल मेंटल सोशल किसी भी टाइप की कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते जिससे बच्चे को मेंटल हार्म
मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह का कोई भी हार्म हो. सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेस टॉपिक. कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. इफ यू आर फाइंडिंग माय वीडियोस आर इन्फॉर्मेटिव देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. बाय बाय.